फाइनली आज मैंने ब्लैक एडम मूवी देख लिया और मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या ब्लैक एडम का मोबाइल के लिए कोई अच्छा गेम है? तो मैं फटाफट चल गया प्ले स्टोर में और सर्च किया ब्लैक एडम गेम और मुझे मिला फ्लाइंग ब्लैक एडम फ्यूचर गेम, जिसको बनाया है अल्टीमेट हीरोज ने, और अल्टीमेट हीरोज ने काफी सारे हीरोज गेम बनाया है। अभी और ज्यादा बकवास ना करके गेम के रिव्यू को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ गेम के होम स्क्रीन पे और अभी से ही मेरा एक्सपेक्टेशन इस गेम से बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक बार इस गेम को ट्राई करूंगा। क्या पता ये गेम कुछ बहुत ही अच्छा निकल जाए। अभी आप लोग कॉमेंट में बताओ कौन सा सुपर हीरो है। गेम के तीन एनवायरनमेंट है जिसमें से एक ही काम करता है, बाकी दो बस शो ऑफ करने के लिए ही है। फिर गेम के तीन डिफिकल्टी लेवल है, इजी, नॉर्मल एंड हार्ड। फिलहाल मैं हार्ड वाला डिफिकल्टी मोड ही सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद और दो मोड है, गैंगस्टर मोड और रेस्क्यू मोड। अभी मैं रेस्क्यू मोड सिलेक्ट करूंगा। इतना सब काफी नहीं था तो पावर सिलेक्शन और लास्ट में मिशन सिलेक्ट करने के बाद गेम शुरू हुआ। वाह, अभी इतनी देर से मोड सिलेक्ट किया ये खेलने के लिए, और ये कहाँ के ब्लैक एडम है भाई साहब, इतना गंदा गेम कोई कैसे बना सकता है। फिर ये टट्टी गेम खेलते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, गेम इतना खराब होने के बावजूद फिर भी लोग ये गेम को अच्छा क्यों बोल रहे हैं? फिर मुझे पता चला एक स्कैम के बारे में, जो इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अगर आप लोग UGW के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर COC के फैक्ट जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। चलो बाय।